वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ समर सीजन के अकॉर्डिंग स्किन केयर हैक्स, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं। समर में हमें बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, चाहे ब्लैक हेड्स की हों या वाइट हेड्स की हों, या फिर हमारी स्किन पर बहुत ज्यादा पोर्स हो जाए, और भी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिनका सोल्यूशन मैं आज की वीडियो में लेकर आई हूँ। तो इन हैक्स को आपने जरूर जरूर फॉलो करना है अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम लगती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ, देख लेते हैं कि कौन से हैक्स है, कैसे फॉलो करने हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में छोटा सा बेल आइकन आ रहा है उसे प्रेस करेंगे तो आपको सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट भी मिलते रहेंगे। गर्मियों में टैनिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है, टैनिंग चाहे फेस पर हो, आर्म्स पर हो, लेग्स पर हो। तो टैनिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारा हैक नंबर वन, टैनिंग से बचने के लिए दही सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट माना जाता है टैनिंग को दूर करने का और स्किन को सूद करने का। 1 स्पून यहाँ पर मैं कर्ड यानी कि दही ले रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ टोमेटो। टोमेटो सनटैन को दूर करता है, स्किन को ब्राइटन करता है। कट लगा रखा है मैंने इसके अंदर, और 1 स्पून मैं यहाँ टोमेटो का जूस ऐड करूंगी, और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ये टैन रिमूवल जो पैक है ये हमारा रेडी कर लूंगी। तो ये हमारा रेडी हो गया है, इसे आपने अफेक्टेड एरिया पर अप्लाई करना है, और अप्लाई करके 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। बॉडी के जिस भी हिस्से पर आपको टैनिंग हो गई है वहां पर इसको आपने अप्लाई करना है और मसाज देनी है। मैं यहाँ अपनी बाजू पर अप्लाई कर रही हूँ, आप हाथों, पैरों, बाजू पर, टांगों पर अप्लाई कर सकते हो, इवन आप अपने फेस पर भी इसको अप्लाई कर सकते हो टैनिंग को दूर करने के लिए। टैनिंग को दूर करने का ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, अगर आप इसको डेली कुछ दिन करते हो तो आपकी बॉडी एकदम से इवन हो जाएगी, क्योंकि टैनिंग की वजह से हमारी स्किन टोन जो है वो अनइवन हो जाती है। तो ये आपकी डिसकलरेशन की प्रॉब्लम को दूर करके, आपकी स्किन से टैनिंग को दूर करके, आपकी स्किन को एकदम से हेल्दी एंड नॉरिश बनाएगी। आपने 2 से 4 मिनट तक अच्छे से मसाज देनी है, फिर नॉर्मल पानी से अपनी स्किन को वॉश कर लेना है। अगर आपको ओपन पॉर्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है और गर्मियों में साथ साथ ऑयल भी स्क्रीज होता है तो हैक नंबर 2 आपके लिए ही है। लार्ज ओपन पॉर्स को श्रिंक करने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ मुल्तानी मिट्टी यानी कि फुलर्स अर्थ। फुलर्स अर्थ बहुत अच्छी होती है जो लार्ज पॉर्स होते हैं उनको श्रिंक करने के लिए और स्किन से एक्सेस ऑयल को हटाने के लिए। नेक्स्ट मैं यहाँ इसके अंदर ऐड कर रही हूँ रोज़ वाटर को। रोज़ वाटर हमने उतना लेना है जिससे हमारा ये स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए। रोज़ वाटर जो है ठंडा ठंडा होता है और हमारी स्किन को बहुत अच्छे से हील करता है। तो इनको मिक्स कर लेते हैं, हमें रोज़ वाटर उतना ही डालना है जितने में हमारा ये पेस्ट तैयार हो जाए। मिक्स करने के बाद हमारा ये पैक तैयार हो गया है, इसे आपने अपने लार्ज ओपन पोर्स के एरिया पर अप्लाई करना है और 10 मिनट के लिए इसे लगाकर छोड़ देना है। ओपन पोर्स जो है मुझे इस वाले एरिया पर थोड़े हो रहे हैं, अभी वैसे छोटे छोटे ही हैं इसलिए मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ, जल्दी ये श्रिंक हो जाएंगे। जिस एरिया पर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वहाँ पर इसे अप्लाई कीजिए, और डेली अप्लाई कीजिए कुछ दिन, और आपके ओपन पोर्स जो है श्रिंक होने लगेंगे। बस 10-15 मिनट के लिए रखिए, फिर वॉश कर दीजिए। गर्मियों के मौसम में जो हमारे लिप्स हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फट जाते हैं, कॉम्प्लेक्शन भी डार्क हो जाता है। तो लिप्स के ड्राइनेस को दूर करने के लिए और लिप्स के कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन करने के लिए हमारा हैक नंबर 3 है, फ्रेश दूध की मलाई जो है ये हमारे लिप्स के कालेपन को भी दूर करती है, और साथ साथ अगर हमारे होठ फट जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो उस ड्राइनेस को भी दूर करके हमारे होठों को सॉफ्ट, ग्लोइंग और पिंक भी करती है। मलाई को आपने रात को सोने से पहले अपने लिप्स पर लगाकर सो जाना है और सुबह इसको रिमूव करना है। डेली कुछ दिन अगर आप ऐसा करोगे तो आपके ड्राई लिप्स की प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, और साथ साथ आपके लिप्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, मॉइस्चराइज हो जाएंगे, और आपके होठों पर जो कालापन है वो भी दूर हो जाएगा। अगर आपको भी नोज के अराउंड जो है ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, या चिन पर भी व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं तो ये हैक जो है ना आपके लिए बहुत 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 बेनिफिशियल है। तो देख लेते हैं हैक नंबर 4। ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए चारकोल पाउडर। चारकोल पाउडर बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन से ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर 1/2 स्पून जो है चारकोल पाउडर लिया है।
नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हनी को। हनी भी हमने यहाँ पर हाफ स्पून के करीब लेना है ताकि हमारा ये जो मास्क है बिल्कुल सही वाला बनकर तैयार हो जाए। दोनों चीजों को अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा मिक्स होकर तैयार हो गया है। इसे अपने ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स पर आपने अप्लाई करना है। 15-20 मिनट के लिए लगाकर छोड़ देना है और फिर इसे इजीली रिमूव कर लेना है। डेली अगर आप ऐसा करोगे तो आपके अपने ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स जो हैं दूर हो जाएंगे, आपकी स्किन सूद हो जाएगी। ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स ज़्यादातर जो नोज़ पे और यहाँ पर चिन एरिया पर हो जाते हैं, तो जहाँ पर भी आपको फील होता है वहाँ पर इसे अप्लाई कीजिए। लगाकर 20 मिनट के बाद इसको रिमूव कर दीजिए। लगातार अगर ऐसा करोगे तो आपके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और आपकी स्किन ब्राइटन होगी। गर्मियों में अगर आपको भी बहुत ज्यादा इचिंग रहती है, बहुत ज्यादा इचिंग से बर्निंग होती है, तो ये हैक जो है ना आपके लिए नंबर वन है। इस हैक को फॉलो करने से आपकी गर्मियों में ये इचिंग की जो प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाएगी। तो देखते हैं हैक नंबर 5। समर सीजन में बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा इचिंग होती है, तो इचिंग को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ काउलिन क्ले। काउलिन क्ले पाउडर बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर 1 स्पून मैं यहाँ ले रही हूँ और नेक्स्ट इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ रोज वाटर। रोज वाटर उतना ही लेना है जितने में हमारा ये पेस्ट बनकर तैयार हो जाए और इन दोनों चीजों को आपने मिक्स कर लेना है और इसे अपने जहाँ पर भी आपको बॉडी पर इचिंग होती है वहां पर इसको अप्लाई कर लेना है। मैं इसको फटाफट से मिक्स कर लेती हूँ। ये अच्छे से मिक्स हो गया है और आपने इसे जहां पर भी आपको इचिंग वगैरह होती है वहां पर अप्लाई करके 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है और फिर इसको पानी से रिमूव कर देना है। बॉडी के जिस भी पार्ट में आपको इचिंग बहुत ज़्यादा होती है ना वहाँ इसको अप्लाई करना है। मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, गर्मियों का मौसम है और तो बहुत ज़्यादा इचिंग तो रहती ही है। बस इसे डेली लगाइए और 10-15 मिनट के बाद जो है इसे वॉश कर लीजिए। अगर आपके पास ये आइस बैग अवेलेबल है ना, ये आराम से जो है ना केमिस्ट शॉप से मिल जाएगा, तो ये आइस बैग अगर आपके पास है तो आप इसको लो और अब जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग वगैरह होती है ना वहाँ इस तरह से लगाइए। दिन में 2-4 बार लगा लीजिए, आपकी जो इचिंग वाली प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। और जो पैक आपको बताया उस पैक को भी आप साथ साथ लगाते रहिए, फॉलो करते रहिए। गर्मियों के मौसम में चिपचिपापन होने से ना हमारी स्किन पर आ जाते हैं बहुत सारे पिंपल्स, तो पिंपल्स को दूर करने के लिए ये हैक नंबर 6 आपके लिए बना है। तो देख लेते हैं हैक नंबर 6। पिंपल की प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपने किसी भी ब्रांड का लेना है, जो आपको अच्छा लगता है वो ले लीजिए और आपने इस तरह से 1 स्पून के अंदर इसको ले लेना है एलोवेरा जेल को। और इसके अंदर मैं यहाँ पर ऐड करूँगी टी ट्री इसेंशियल ऑयल को। टी ट्री इसेंशियल ऑयल जो है पिंपल को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, हील करता है, पिंपल्स के निशान हो तो वो भी दूर हो जाते हैं अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो। तो इसके अंदर मैं 1 या 2 ड्रॉप जो है ना टी ट्री ऑयल की ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैं 2 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल की इसके अंदर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और इसे आपने अपने पिंपल एरिया पर अप्लाई करना है। मैं यहाँ पर स्पून पर थोड़ा सा बनाकर दिखा रही हूँ, आप चाहें तो इसकी क्रीम बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हो और डेली अपने पिंपल एरिया पर लगा सकते हो। तो ये हमारा रेडी हो गया है, इसे आपने अपने पिंपल एरिया पर अप्लाई करना है। ये है वो क्रीम जिसको आपने अपने पिंपल एरिया पर अप्लाई करना है। इस तरह से थोड़ी सी लेनी है आपने और जहाँ पर भी आपको पिंपल है वहाँ अप्लाई करना है। इस तरह से लगा के आपने पूरे फेस पर भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छी है ये। बस आपने इसको रात को सोने से पहले लगाना है और हल्के हल्के हाथ से अप्लाई करके मसाज देनी है और इसे ओवरनाइट रख दीजिए आप और आपका पिंपल सुबह तक आपको दिख जाएगा कि श्रिंक हो गया है। और दिन में भी लगा लेना एक टाइम, बस जब आप धूप में जा रहे हो तब आपने इसको अप्लाई नहीं करना, बाकी आप घर के अंदर रहकर इसको अप्लाई कर सकते हो और अपने पिंपल को आप एकदम से दूर कर सकते हो, श्रिंक कर सकते हो।
सो गाइज आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है ना तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको फिर वीडियोस कैसी लगती हैं। वीडियो को आपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पर आ रही है, वहां पर मुझे फॉलो जरूर जरूर कीजिए। मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।